जी आप पहाड़ पर आफत बेशुमार। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। अब हिमाचल में बारिश ने तबाही क्योंकि मचाई हुई है और हवाई सर्वेक्षण जो है वो यहां पर किया जाएगा। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखेंद्र सिंह सुक्खू पांवटा साहिब और सलाई क्षेत्र के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सलाई क्षेत्र के अम्बोन क्षेत्र का दौरा किया। अम्बोन गांव पिछले 45 सालों से मलबे में डूबते जा रहा है और गांव के लगभग 3 दर्जन जो मकान है वो मलबे में डूब चुके हैं। गांव के डूबने का सिलसिला अब तक जारी है। यहां मुख्यमंत्री ने लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। स्थानीय लोगों ने से नुकसान के बारे में बातचीत की और साथ ही अधिकारियों को नुकसान की जल्द भरपाई के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे नुकसान के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। उधर हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बीजेपी सांसदों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस राज्य में इतनी बड़ी आपदा आई है और पार्लियामेंट सेशन लगा है, आप राजनीति करने के बजाय हमें अंतरिम मदद बनाने के लिए आज तक क्यों नहीं मिले। जेपी नड्डा जी ने फोन कर हमसे पूछा है, पिछली बार की आपदा में अनुराग जी का भी फोन आया था, लेकिन आज तक चारों सांसद तो इकट्ठे होकर मिल नहीं पाए कि राज्य में आपदा आई है, अंतरिम राहत की पहली किश्त दो और राजनीति कर रहे हैं, इससे बड़ी आपदा नहीं आएगी। सरकार पूरा प्रयास कर रही है, अब जितनी जाने गई हैं उससे अधिक जाने ना जाए, रोड रिस्टोरेशंस हो, टेम्परेरी हमने सब रोड रिस्टोरेशंस का काम युद्ध स्तर पर कर दिया है और मेजॉरिटी रोड्स को, लिंक रोड्स को हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बागवान का सेब मंडियों तक पहुंचे। इस राज्य में इतनी बड़ी आपदा आई है और पार्लियामेंट सेशन लगा है, आप राजनीति करने की बजाय वहाँ से हमें अंतरिम मदद मनाने के लिए आज तक क्यों नहीं मिले। हालांकि जेपी नड्डा जी ने हमेशा फ़ोन करके पूछा है, पिछली बारी आपदा में उनका भी अनुराग जी का भी फोन आया था, लेकिन आज तक चारों सांसद इकट्ठे होकर तो मिल नहीं पाए कि राज्य में आपदा है, अंतरिम राहत की पहली किश्त दो और राजनीति कर रहे हैं। इससे बड़ी आपदा नहीं आएगी। राजनीति करने के लिए और समय मिला है, अभी हमारे 70 होंगे, चुनाव होंगे तो राजनीति करना। इस समय मेरा सिर्फ ध्यान आपदा से प्रभावित लोगों के घर बसाना है, आपदा से प्रभावित लोगों के जो राहत हमारे पास अपने संसाधनों से वो पहुंचाना है और उनके जो जख्म है, जिस आदमी ने अपना घर तिनका तिनका जोड़कर बनाया होता है, अगर वो उजड़ जाए, सिर्फ उनके जख्मों को अभी टेम्परेरी मरहम लगाकर उन्हें दोबारा से बसाने का निर्णय हमारी सरकार का कृत संकल्प है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। इस राज्य में इतनी बड़ी आपदा आई है और पार्लियामेंट सेशन लगा है, आप राजनीति करने की बजाय वहाँ से हमें अंतरिम मदद मनाने के लिए आज तक क्यों नहीं मिले। हालांकि जेपी नड्डा जी ने हमेशा फ़ोन करके पूछा है, पिछली बारी आपदा में उनका भी अनुराग जी का भी फोन आया था, लेकिन आज तक चारों सांसद इकट्ठे होकर तो मिल नहीं पाए कि राज्य में आपदा है, अंतरिम राहत की पहली किश्त दो और राजनीति कर रहे हैं। इससे बड़ी आपदा नहीं आएगी। राजनीति करने के लिए और समय मिला है, अभी हमारे 70 होंगे, चुनाव होंगे तो राजनीति करना। इस समय मेरा सिर्फ ध्यान आपदा से प्रभावित लोगों के घर बसाना है, आपदा से प्रभावित लोगों के जो राहत हमारे पास अपने संसाधनों से वो पहुंचाना है और उनके जो जख्म है, जिस आदमी ने अपना घर तिनका तिनका जोड़कर बनाया होता है, अगर वो उजड़ जाए, सिर्फ उनके जख्मों को अभी टेम्परेरी मरहम लगाकर उन्हें दोबारा से बसाने का निर्णय हमारी सरकार का कृत संकल्प है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। रिलीफ कैंप्स कहाँ कहाँ? सभी हिमाचल प्रदेश में जहाँ है रिलीफ कैंप हमारे युद्ध स्तर पर चल रहे हैं और उन रिलीफ कैंप के बाद उनको बसाने का भी दायित्व हमारा। उधर हिमाचल प्रदेश में आई आपदा में भारी नुकसान हुआ है और ऐसे में विपक्ष के साथ अब सत्ता पक्ष के विधायक भी विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुधीर शर्मा के बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने भी विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है। इसको लेकर कुलदीप राठौर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी बात की और इस आपदा की घड़ी में एकजुट होकर केंद्र से मदद लेने के प्रयास करने के चाहिए। और वहीं बीते दिनों जयराम ठाकुर को सीएम सुक्खू सत्र बुलाने के बाद पर नसीहत दे चुके हैं। मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी बात की
वो भी चिंतित है। मैंने उन्हें कहा कि हमें जो है विधानसभा का सत्र जल्दी बुलाना चाहिए और इस सत्र में हमें एक प्रस्ताव लेके आना चाहिए। हम केंद्र से मदद की मांग करें, हम उस प्रस्ताव में हिमाचल को राष्ट्रीय हिमाचल को हम राष्ट्रीय आपदा के अंतर्गत घोषित करें, उस प्रस्ताव को लेके हमें आना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि उस प्रस्ताव को समर्थन हमारे विपक्ष का भी निश्चित तौर पे मिलेगा, क्योंकि अगर हम खाली एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहे उससे स्थिति जो है संभलने वाली नहीं है। उधर आपको बता दें कि जिला कांगड़ा के इंदौरा में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन पांचवें दिन भी जारी रहा। इस दौरान एनडीआरएफ की टीमों ने बोट के माध्यम से बेला इंदौरा के जलमग्न क्षेत्रों से 54 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण चुंदल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 5 दिन में रेस्क्यू किए गए लोगों की संख्या 2209 पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि फतेहपुर उपमंडल में फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी। हिमाचल में फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 21 से 23 अगस्त को रहे सावधान, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में अभी भी 895 सड़कें बंद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। प्रदेश में अभी भी 895 सड़कें जो है वो बंद पड़ी हुई है, अवरुद्ध है। हिमाचल में फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, 21 से 23 अगस्त तक सावधान रहे। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, बारिश का यह अलर्ट इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रदेश में अभी 895 सड़कें जो हैं वो बंद हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रखी है तो कहीं मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध हो रखा है। तो 21 से 23 अगस्त तक सावधान रहें, भारी बारिश का यह अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर खासकर 10 जिलों में यह अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। भारी बारिश की संभावना जो है वो बनी हुई है। हिमाचल में फिर भारी बारिश का यह अलर्ट जो है जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 21 से 23 अगस्त को सावधान रहें, पहाड़ों का रुख ना करें, यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उधर शिमला के समर हिल शिव मंदिर में हुई तबाही की शुरुआत भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान से हुई थी, जब पूरा मलबा लैंडस्लाइड के साथ शिव मंदिर को बहाकर अपने साथ ले गया। अब भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के परिसर को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। संस्थान के पिछली साइड लैंडस्लाइड से पूरी दीवार गिर गई है और कई जगहों पर दरारें आ गई हैं। साथ ही संस्थान के आगे के परिसर भी जमीन में धंस गए हैं और आगे का जो डंगा है धंसने की कगार पर है। दो जगह इन्होंने मुझे बताया है, एक तो जो मेजर स्लाइड हुआ है जिसका जो स्लाइड और पूरा जो पेट है वो शिव मंदिर की बॉडी तक पहुंचे हैं, जिसमें हमारा काफ़ी बड़ा डिजास्टर हुआ है। उसको फिलहाल प्रिकॉशनरी इन्होंने भी तरपाल से ढका है और वहाँ पे जो लोगों की आवाजाही को बंद किया है। और सेकेंडली जो एक अभी यहाँ इन्होंने ग्राउंड के पास बताया है कि थोड़ा ये क्रैक्स आए हैं, जिसके कारण जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के पास का जो ग्राउंड है हल्का सा ये धस गया है और जिसके साथ कुछ 2-3 पेड़ लगते हैं वो भी थोड़े से टिल्ट हो गए हैं, जिसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो रिक्वेस्ट किया है कि वो इमीडिएटली इसमें विजिट करके अपनी असेसमेंट रिपोर्ट दे ताकि हम इसमें आगामी कार्रवाई अमल में लाएँ। उधर शिमला में बारिश से भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, वहीं अब जमीन और सड़कें धंस रही हैं, जिससे भवनों को खतरा पैदा हो गया है। जागो की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सड़क में काफी मोटी दरारें आ गई हैं, ऐसे में कॉलोनी के लिए भी खतरा पैदा हो गया है और लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। वहीं मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना और साथ ही नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने जायजा लेने पहुंचे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इस क्षेत्र को सुरक्षित करने के जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा शहर के कामली बैंक का हिमलैंड समेत कई क्षेत्रों का दौरा भी किया। लोग चीफ सेक्रेटरी साहब थे हमारे साथ और अर्बन डेवलपमेंट के सेक्रेटरी थे, नगर निगम के अधिकारी और डीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सभी अधिकारी लोग थे। हम लगभग 6 जगह गए हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारे फ्लावरडेल न्यू फ्लावरडेल कॉलोनी, जहाँ लगभग 20-25 पेड़ भी गिरे हैं, रोड भी बंद है और वहाँ पर
गाड़ियां भी दबी पड़ी हैं काफ़ी दिनों से, और उसके लिए लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, उसको पेड़ों को हटाने का कार्य भी शुरू करवाया। और उसके बाद हम बैनमोर गए, बैनमोर में जो है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक जो रोड में क्रैक्स आ गया, बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ गए, जो उन्होंने अपनी आंखों से भी देखे, जिसने जिसको देख उनका उन्होंने इसको ठीक कराने के निर्देश भी दिए। उधर सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने दरअसल कहा है कि प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हिमाचल को केंद्र से राहत की एक और बड़ी किश्त मिली है। अब तक करोड़ों रुपए की मदद दे चुकी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 3 के तहत हिमाचल के 254 सड़कों को अपग्रेड करने के लिए 2643 करोड़ रुपए का पैकेज भी दिया है। इनमें बिलासपुर जिले की 19 सड़कें शामिल हैं, जिनके लिए 171 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। जिले की कुल 19 में से 4 सड़कें सदर विधानसभा क्षेत्र की हैं। इससे जहां पर सड़कें अपग्रेड होंगी, वहीं भारी बारिश से तबाह हुए सड़कों को री रिस्टोर करने में भी मदद मिलेगी। सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हिमाचल को केंद्र से राहत की एक और बड़ी किश्त मिली है। अब तक करोड़ों रुपए की मदद दे चुकी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 3 के तहत हिमाचल की 254 सड़कों को अपग्रेड करने के लिए 2643 करोड़ रुपए का पैकेज भी दिया है। इनमें बिलासपुर जिले की 19 सड़कें शामिल हैं, जिनके लिए 171 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। जिले की कुल 19 में से 4 सड़कें सदर विधानसभा क्षेत्र की हैं। इससे यहां सड़कें अपग्रेड होंगी, वहीं भारी बारिश से तबाह हुई सड़कों को री रिस्टोर करने में भी मदद मिलेगी। उधर किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपियो के विश्राम गृह में आज तेजवंत सिंह नेगी ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कि उनके जिला किन्नौर के विभिन्न ग्रामीण इलाकों के समर्थकों ने भाग लिया। इस दौरान किन्नौर भाजपा के पूर्व पदाधिकारियों समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी विशेष रूप से भाग लिया। तेजवंत सिंह नेगी ने रिकांगपियो में जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने भाजपा संगठन में लंबे समय से काम कर जिले में संगठन को मजबूत किया। साथ ही जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश भाजपा संगठन के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी उन्हें हर जगह दरकिनार करना शुरू किया था, जिसके चलते किन्नौर में भाजपा समर्थित लोग भी नाराज हुए थे, क्योंकि जयराम ठाकुर ने भाजपा पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह बनाया हुआ था, जिसका खामियाजा उन्हें 2022 के चुनावों में भुगतना पड़ा। जब भी हम कभी मुख्यमंत्री के पास जाना हुआ तो उन त्रिदेव, जिसको हम कहते हैं कि पन्ना प्रमुख की तो बातचीत कर नहीं रहा, कहते उनके द्वारा जो भी चाहे स्थानांतर है, जो भी कार्य है वो होंगे, मगर हिमाचल में ऐसा नहीं हुआ। जयराम जी ने अपने भाजपा को लिमिटेड पार्टी बनाया, इस बात को मैं कहना चाहूँगा। जब कोई पार्टी लिमिटेड हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी का तो एक संविधान अलग से है कि जो अंत में व्यक्ति बैठा है उसकी कैसे सेवा करे। तो निशाना तेजवंत सिंह नेगी ने यहाँ पर साधा है जयराम ठाकुर पर, और किन्नौर कि जनता को अनदेखी करने का आरोप जो है वो जयराम ठाकुर पर लगाया जब वो मुख्यमंत्री थे। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। किन्नौर में दो गुटों में हुई झड़प, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किन्नौर से इस वक्त की बड़ी खबर, दो गुटों में झड़प हुई अलग अलग जगह पर, यह आतापाई हुई है, भिड़ंत का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, पुलिस ने हुड़दंगियों पर कार्रवाई की है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी, भिड़ंत का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो दो गुटों में ये झड़प हुई है, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये झड़प हुई है। अनिल नेगी किन्नौर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, क्या हुआ था, क्यों ये झड़प हुई है? देखिए, किन्नौर जिला में बीते एक सप्ताह से जो है, जिला किन्नौर के मुख्यालय जो रिकांगपियो क्षेत्र है, वहां पर नेपाली मूल के कई ऐसे गुट है जो लगातार जो है हुड़दंग कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने मौके पर इन सभी जो गुट है, जो नेपाली मूल के जो लोगों के गुट है, उन्हें गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई है। ये जो गुट है, मैं बताना चाहूंगा, रिकांगपियो के दो ऐसे क्षेत्र है, एक SBI बैंक और जो तेलंगी सड़क जो NH जाता है वहां पर, ये दोनों गुट जो है किसी बात को लेकर आपस में हाथापाई की और पत्थरबाजी भी हुई है, जिसमें कुछ नेपाली मूल के व्यक्तियों को जो है चोटी भी आई है। इस दौरान जो है दोनों जगह पर जो है लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा, और लगातार जो है इस तरह के हुड़दंगबाजियों के जो झगड़ों से जो है स्थानीय लोगों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि किन्नौर पुलिस ने जो है दोनों गुटों पर जो है
गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई है। और भविष्य के लिए जो है किन्नौर पुलिस ने रात्रि गश्त और दिन का जो समय रहता है रिकांगपियो क्षेत्र में जो है पुलिस की जो ताकत है उसको और बढ़ा दी है ताकि इस तरह की जो है हुड़दंगबाजियां जो है रिकांगपियो क्षेत्र में ना हो सके। जी कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं? ये जो है जिन्होंने ये जो हुड़दंगबाजी की है आपस में लड़ाई की है ये जो है तमाम जो किन्नौर जिला के विभिन्न क्षेत्रों से जो नेपाली मूल के लोग हैं जो गांव-गांव में काम करते हैं ये जो रिकांगपियो में जो है घूमने फिरने या फिर जरूरतमंद के सामान को खरीदारी के लिए आते हैं तो ऐसे वक्त में जो है आपस में कुछ सी बहसबाजी को लेकर जो है दोनों गुटों में लड़ाई हुई है। कितने लोगों में मामला हुआ करीब करीब ये जो है 15 लोग ऐसे है जिन पर मामला दर्ज हुआ है और पुलिस ने मौके पर सख्त सख्त कार्रवाई इन पर जो है अमल में लाई है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल नेगी इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे उधर प्राकृतिक आपदा ने जहां पर पूरी हिमाचल में जमकर कहर ढाया है वहीं उसके साथ साथ अब प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के साथ लगते पहाड़ी हलके में भी भारी तबाही मचाई है। नालागढ़ की बुआसनी पंचायत और साई पंचायत में प्राकृतिक आपदा के कारण भारी भूस्खलन हुआ और पूरा पहाड़ धस गया और जिसमें 4 गांव के लोगों के मकान पूरी तरह से टूट चुके हैं और जगह जगह पर भूस्खलन के कारण जमीनें भी ध्वस्त हो गई हैं। आपको बता दें कि दरअसल इन 4 गांव के 80 से ज्यादा परिवार और 1000 के करीब लोग अब बेघर हो चुके हैं जिन्हें अब स्थानीय लोगों की मदद से गाँव से तो बाहर निकाल लिया गया है। सब कुछ नहीं रहा, कोई घर नहीं रहा, मकान नहीं, कोई कुछ नहीं रहा। हमारे लड़के कोई ऐसे नहीं, कोई नौकरी करने वाले, सब गरीब खेती बाड़ी करते, सब कुछ तबाह हो गया। कभी सपने भी नहीं सोचा था अभी ऐसा हो सकता है यहाँ पे रहने के लिए, कमाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। प्रशासन से हमें कोई अभी तक कोई मदद नहीं मिल पा रही है तो मेरी सरकार से यही विनती है कि हमें कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए। बड़ी भारी त्रासदी इसमें हो गई है, पूरा पहाड़ ऊपर से नीचे बैठ रहा है, मतलब बैठ रहा कि बहुत 5-6 किलोमीटर नीचे चला गया है। जो कि मेरी पंचायत, जो हमारी पंचायत है इसमें लगभग 40-45 परिवार है, घर है, जो बहुत मतलब पूरे ख़त्म हो चुके हैं। जब तक प्रशासन आया है तब तक तो लोगों ने सारा सामान इधर उधर शिफ्ट कर दिया था और ये लोग बेचारे सुरक्षित जगह चले गए थे। फिर भी इन लोगों के पास जो भी जिंदगी भर अपनी पूंजी इकट्ठी करके अपने घर बनाए थे, जो भी किसी ने अपना खेत बनाया था, सब चला गया है। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में जहां पर मकानों में दरारें आने लगी हैं वैसे ही हालात अब हिमाचल प्रदेश के सुलह विधानसभा के गांव परमार नगर में भी देखने को मिल रहे हैं। पेशक रिपोर्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ में जहां मकानों में दरारें आने लगी हैं, वैसे ही हालात अब हिमाचल प्रदेश के सुलह विधानसभा के गांव परमार नगर में भी देखने को मिल रहे हैं। यहां एक दर्जन के करीब मकान जमींदोज तो हो ही चुके हैं लेकिन उन मकानों से सटे अन्य मकानों में भी दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं। वहीं जमीन पर भी करीब 3 किलोमीटर तक गहरी दरारें पड़ चुकी हैं जिससे कई मकानों व खेती युक्त जमीन पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। जो परमार नगर है इसमें 12 जो फैमिलीज हैं इनके मकान जो है वो टोटली ध्वस्त हो गए हैं ड्यू टू लैंडस्लाइडिंग। और 12 के लिए हमने यहाँ पे जो हमारा प्राइवेट स्कूल है इसमें इंतजाम किया, 3 कमरे हैं, साथ में हमने टेंट जो है वो लगाए जा रहे हैं और रोटी का इंतजाम भी किया जा रहा है, 3 टाइम की रोटी का। और ड्यूटी लगा दी है सारे IPH और बिजली बोर्ड, सभी अपने अपनी व्यवस्था जो है वो यहाँ पे देखेंगे। वर्तमान में यहाँ हालात जोशीमठ जैसे बन चुके हैं, कई घरों को प्रशासन ने एहतियात के तौर पर खाली करवा दिया है। परमार नगर में भूस्खलन के कारण बेघर हुए ग्रामीणों के लिए खाने पीने व रहने की व्यवस्था प्रशासन ने राहत शिविर में प्रदान कर दी है जहां टेंट लगा दिए गए हैं और खाने पीने के लिए राशन मुहैया करवा दिया गया है। सुलह चुनाव क्षेत्र में बहुत बड़ी त्रासदी आई है जिसके चलते परमार नगर, बिछवाई, थुरल और गगड़खोली में भी बादल फटने की सूचना है जिसको मैंने खुद जाकर देखा है। सबसे बड़ी त्रासदी जो है वो परमार नगर में आई है। यहाँ पर
12 से 14 लोग प्रभावित हुए हैं, इतनी ही गौशालाएं प्रभावित हुई हैं। यही नहीं, लगभग 3 किलोमीटर तक धरती में बहुत बड़ी दरारें आई हैं और इसके अलावा 10-12 और घर जो हैं वो फटे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले दिन सुबह जब घरों के नीचे जमीन धंसने लगी जिससे दीवारों में दरारें आनी शुरू हो गईं, तो खतरे को भांपते ही सब लोग मकान से बाहर भागने लगे। अचानक घरों के दरवाजे व खिड़कियां खुद ही बंद हो गईं, जिससे उन्हें घर के अंदर रखा सामान निकालने का भी मौका नहीं मिल सका और पलक झपकते ही आसपास के करीब 12 मकान जमींदोज हो गए। गांव में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ, मेरा मकान जो है उसमें पहले तो डंगा ढह गया, उसके बाद जो उसमें दरारें पड़ना शुरू हो गई, मतलब मकान के साथ इतना मतलब कि 8-10 फुट जो जमीन धंस गई और बहुत ज़्यादा बड़ा खड्डा बन गया, उसके साथ साथ मकान में दरारें पड़ने लगी।